अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अर्निंग फन। दोस्तों, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर जहाँ से भी है और जो भी है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। आपकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया और आगे जो है मैं यूट्यूब पर रेगुलर काम करता रहूँगा इंशाल्लाह, ये मेरा इरादा है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपका अगर यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन रिक्वायरमेंट पूरा कर चुका है या पूरा करने वाले है, आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले कौन सा सेटिंग अपने यूट्यूब चैनल पे करना है जिसकी वजह से आपका चैनल जल्दी मोनेटाइज हो सके। याद रहे, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के बाद हमें तीन ऑप्शन, तीन स्टेप्स दिए जाते हैं, स्टेप वन, स्टेप टू और स्टेप थ्री। स्टेप वन में खास कुछ नहीं होता, यूट्यूब टर्म एंड कंडीशन जो है उसके साथ एग्री होना पड़ता है। स्टेप टू में हमें एक एडसन अकाउंट यूट्यूब चैनल के साथ लिंक करना होता है, वो भी ऐसी है, बाद लोगों को एरर आ रहा होता है, लेकिन वो भी कई रीज़न है जो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस वजह से आपको स्टेप टू में एरर आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ खास मसला नहीं, वो कभी भी आप हल करवा सकते हैं। मसला है स्टेप थ्री का। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है स्टेप थ्री है, क्योंकि हमारा चैनल यूट्यूब टीम के पास जो है चला जाता है अंडर रिव्यू, और वो अपना नंबर जो है आने के बाद हमारे चैनल को चेक कर लेता है, और उसके बाद अगर हमारा चैनल कोई पॉलिसी को हमने वायलेट ना किया हो और हमने अपना काम पॉलिसी के मुताबिक किया हो तो हमारे चैनल को मोनेटाइज कर दिया जाता है, यानी हमें यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपने YouTube मोनेटाइजेशन से पहले किस सेटिंग को करना है ताकि आपका चैनल अंडर रिव्यू लटक जाने से बच जाए और आपका चैनल जल्दी मोनेटाइज हो सके। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मोनेटाइजेशन का स्टेप थ्री जो कि इन प्रोग्रेस दिखाई देता है। बाज़ लोगों का एक महीने तक भी लेता है और इससे ज़्यादा भी लेता है। अगर आपका कंटेंट वगैरह सब ठीक है तो आपने किसी फीडबैक की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर एक हफ्ते तक आपको स्टेप थ्री इन प्रोग्रेस नज़र आ रहा है तो फिर आप फीडबैक कर सकते हैं, फिर आप फीडबैक करें, लेकिन एक हफ्ते तक लाजमी आप इंतज़ार करें। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टेप में पस जाने से पहले आपने क्या करना है। तो सबसे पहले जाना है अपने यूट्यूब स्टूडियो में। यहाँ जाने के बाद आपने जाना है कंटेंट जो आपको नज़र आ रहा है वो सेक्शन जिसमें आपके तमाम वीडियोस मौजूद है जो आपने अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, आपने यहाँ पे क्लिक करना है कंटेंट पे। और रिसेंटली अपलोडेड थ्री वीडियोस जो है, वो तीन वीडियोस जो आपने आखिरी अपलोड की हुई है उन तमाम को सेलेक्ट करके, या एक एक का सेटिंग जो है वो आपने करना है। सिलेक्शन से तो नहीं होगा क्योंकि इसका सेटिंग अलग अलग होता है, सॉरी वो मोनेटाइजेशन के लिए सिलेक्शन होता है। आपने हर एक वीडियो को ओपन करके उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल और थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पर हम जहाँ टैग्स देते हैं इस टैग को चेक करना है कि यहाँ पर आपने कोई ऐसा वर्ड तो इस्तेमाल नहीं किया जो आपके वीडियो से रिलेटेड नहीं है, जो आउट ऑफ कंटेंट है मगर आपने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, तो वो वर्ड, वो लफ्ज़ वो आप यहाँ से हटा दे और उसके बाद सेव पे क्लिक करें। ये सेटिंग आपने रिसेंटली अपलोडेड तीन वीडियोस के साथ करना है। उसके बाद जाए और फिल्टर पे क्लिक करें, ऊपर और या नीचे आ जाए व्यूज़ जो आपको नज़र आ रहे हैं, मैं क्लिक कर रहा हूँ इधर, आप व्यूज़ पे क्लिक करें और यहाँ पर वो वीडियोस जिनके वजह से आपका वॉच टाइम पूरा हुआ है, यहाँ पर मैं दूँगा 10,000, तो मुझे 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ वाले वीडियो जो है दिखाए जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास दो वीडियोस पड़े हुए जिनके वजह से मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया है। आपने इन दोनों के साथ भी सेम वही करना है जो पहले आपने रिसेंटली अपलोडेड तीन वीडियो के साथ किया। इनका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल और टैग्स वगैरह इसको चेक करना है कि आपने कोई ऐसा वर्ड तो इस्तेमाल नहीं किया जो आपके वीडियो से रिलेटेड नहीं है, और हर एक को इसी तरह एडिट करके सेव करना है। इसके बाद आखिरी वीडियो जो है उसके साथ भी यही करना है और फिर सेव कर देना है और उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक फ्यूचर में बआसानी और बर वक्त मिल सके। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।